हाय गाइस, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। और आज की इस टेक जुगाड़ के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के ऐसे कुछ जुगाड़ के बारे में जिनको आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन से अगर आप अपने पीसी पे कोई फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इंस्टेंट। और अगर आप चाहें तो अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं, यानी अगर जिस किसी को भी रिप्लाई देना आप एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं आप उसको रिप्लाई देने के लिए। और यहाँ पर जो तीसरा व्हाट्सएप का जुगाड़ है दोस्तों, उसकी मदद से अगर आप चाहें तो अपने WhatsApp से ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको WhatsApp पे कोई भी मैसेज भेजता है तो दोस्तों इंस्टेंटली उसके पास आपका जो ऑटो रिप्लाई पे किया हुआ कोटेशन होगा वो उसके पास सेंड हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी होगा फिर भी ऑटो रिप्लाई वहाँ पर अपना बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही व्हाट्सएप के कुछ जुगाड़ के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि लास्ट में बोनस दो ऐसे व्हाट्सएप के जुगाड़ हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस नए अपडेट के साथ उनको भी व्हाट्सएप पर लागू कर दिया गया है, तो उसके बारे में लास्ट में बताऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अगर आपको अपने फ़ोन से कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है व्हाट्सएप पे इंस्टेंट तरीके से, तो आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए और आप एक कोई रैंडम सा ग्रुप बना लीजिए, जैसे कि दो तीन लोगों का ग्रुप बना लीजिए। फिर उसके बाद आप कोई भी ग्रुप बना लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पिन वाले ऑप्शन में जाकर किसी कोई भी फोटो वीडियो जो भी है उसको आप यहाँ से सेंड कर लीजिए। आप इसमें म्यूज़िक भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, जो भी भेजना चाहें आप, जो भी अपने पीसी में भेजना चाहें आप यहां से इसकी मदद से भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां से मैसेज को भेजेंगे, आपको ही आप व्हाट्सएप वेब को अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों जो भी मैसेज आपने भेजा है वो वहां पर कंप्यूटर में आपके लैपटॉप में शो करने लगेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों कि किस तरीके से आप क्विक फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल और कंप्यूटर के बीच व्हाट्सएप की मदद से। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने WhatsApp में ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन कैसे सेट कर सकते हैं, यानी अगर आपको कोई भी मैसेज करता है तो ऑटो रिप्लाई पर जैसे ही आप जो भी कोटेशन सेट किए रहेंगे उसके पास आपका मैसेज फट से चला जाएगा जैसे ही वो आपको मैसेज करता है, चाहे आपका फोन ऑनलाइन हो या ना हो, आपके फोन में इंटरनेट हो या ना हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद यहां पर आपको कई सारे फिर आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगा व्हाट्स ऑटो रिप्लाई का। तो यहाँ पर जो पहला एप्लीकेशन दिख रहा है वो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस ऐप को ओपन कर लेना होगा। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो रिप्लाई जो ऑफ है उसको ऑन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस जो भी ये परमिशन मांग रहा है उसको ग्रांट कर दीजिए। ग्रांट करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप यहाँ पर जो यहाँ पर सेट है, जैसे आप चाहें तो आई एम बिज़ी टेक्सीटर आप इसको कोटेशन के रूप में सेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हेलो हाउ आर यू। तो जैसे मैंने इसको सेट कर दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको हर किसी पर ऑटो रिप्लाई सेट करना है, या आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उन पर सेट करना है, या आप एक ही सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट पे सेट करना चाहते हैं तो उस पर आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि ऑटो रिप्लाई किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आपको किसी को व्हाट्सअप मैसेज करना हुआ एक स्पेसिफिक टाइम पे, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकेंड पर, तो आप व्हाट्सअप में वो भी कर सकते हैं। जैसे ही वो टाइम आएगा उसके पास मैसेज वो फट से चला जाएगा। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्केडिट। स्केडिट को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, इस ऐप को ओपन करिए। आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा। आप इसको चाहे तो अपने फेसबुक के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने फेसबुक के साथ ऐड करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट को ऐड किया है, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर सब कुछ ना सेलेक्ट करके सिर्फ व्हाट्सएप को सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप का आइकन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इनेबल एक्सेसिबिलिटी को ऑन कर देता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी को मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको स्केडिट का जो एक्सेसिबिलिटी में ऑप्शन है उसको आपको इनेबल करके रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने मैसेज को टाइप कर दीजिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे हेलो का मैसेज टाइप करके, फिर उसके बाद मुझे किसको भेजना है। अब मैं यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने जैसे इस दूसरे वाले कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर शेड्यूल के बाद, आप यहाँ पर शेड्यूल के बाद डेट दी गई है, तो डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम को सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम आपका मान लीजिए मैं 4:23 का सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आस्क मी बिफोर सेंडिंग, अगर आप चाहें तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे ही ये टाइम आ जाएगा तो आपसे ये परमिशन मांगेगा कि क्या आप इसको, इस मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। फिर इसको डन कर देता हूँ, तो जैसे ही मेरा टाइम ओवर होगा मैसेज फट से उसके पास चला जाएगा जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दो बोनस व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में बता देता हूँ जो यहाँ पर नए अपडेट के साथ आया है। पहला अपडेट ये है कि दोस्तों, जो आप पहले एक मैसेज को 5 अलग-अलग ग्रुप में सेंड कर पाते थे, वो अब घटाकर सिर्फ एक कर दी गई है, यानी कि लिमिटेशंस लगा दी गई है। आप एक बार में एक ही ग्रुप में मैसेज कर पाएंगे, उस एक मैसेज को आप 5 ग्रुप में जो पहले कर पाते थे सिर्फ उसको अब घटाकर एक कर दिया गया है। यहाँ पर जो दूसरा चेंज किया गया है उसमें ये है दोस्तों कि जो पहले आप, अगर कोई भी मैसेज आपके पास आता है तो उसके बगल एक सर्च वाला आइकन बनकर आ जाएगा, जिससे ये पता लगा सकेंगे, इंस्टेंट तरीके से आप ये पता लगा सकेंगे, उसको गूगल सर्च कर पाएंगे कि कहीं वो मैसेज फेक तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जब से ये कोरोना वायरस फैला है तब से फेक मैसेज भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फैल रहे हैं, और उन सभी को रोकने के लिए ही इन सभी ट्रिक को अपनाया गया है। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले आप प्लीज़ उसको एक बार गूगल चेक कर लीजिए, कर लिया कीजिए, फिर जाकर उसको किसी को सेंड किया कीजिए। दोस्तों ये कुछ थे टेक जुगाड़ में व्हाट्सएप के कुछ जुगाड़ू ट्रिक्स। तो इस सीरीज़ के अलग अलग एपिसोड्स आपको मिलते रहेंगे, और कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपसे आने वाली कोई भी टेक जुगाड़ की एपिसोड मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टेक जुगाड़ के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।